हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के मैं हूं हाजिर। और ये भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और ट्रायल्स को लेकर के होने वाली है। ट्रायल्स, जी हां, आप सभी जानते हैं ट्रायल्स, क्रिकेट ट्रायल्स, हर कोई बच्चा क्रिकेट ट्रायल्स को देना चाहता है और चाहता है कि क्रिकेट ट्रायल देने के बाद में वो किसी टीम में सेलेक्ट हो जाए, किसी राज्य की टीम में सेलेक्ट हो जाए और उसके बाद उसको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाए और वो अपना फ्यूचर रणजी ट्रॉफी में, आईपीएल में और इंडियन क्रिकेट टीम में बना सके। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, ये वीडियो भी ट्रायल्स के बारे में है और मैं आपको बताऊंगा कौन से स्टेट के ट्रायल के बारे में ये वीडियो होने जा रही है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश, जो हमारा एक उत्तर भारत का एक खूबसूरत राज्य है, उसी राज्य के क्रिकेट ट्रायल के बारे में ये जानकारी आपको देने जा रहा हूँ इस वीडियो में। जी हाँ, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रहिएगा शुरू से लेकर के आखिर तक और मेरी बात को, एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा और उसको नोट करिएगा। अगर आप नोट नहीं करते तो वो कुछ समय के लिए आपके दिमाग में रह जाती है और उसके बाद कुछ समय के बाद वो दिमाग से निकल जाती है। तो आप इस वीडियो में जितनी भी जानकारी आपको दी जा रही है उसको आप नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि अगर इम्पोर्टेंट है तो ही आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए तो नहीं देखोगे। जी हाँ, जैसे कि मैंने थंबनेल में भी लगाया हुआ है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट ट्रायल, वहीं से पता चल जाता है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट ट्रायल्स के बारे में जानकारी दी जाएगी आपको। जी हाँ, तो जो बच्चे हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, जो वहाँ स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो वहाँ के मूल निवास है, वही हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में ट्रायल दे सकते हैं और वहाँ स्टेट की टीम में खेल सकते हैं। जी हाँ, अगर कोई ये सोचने लग जाए कि मैं अलग स्टेट में रहता हूँ, अलग राज्य में रहता हूँ और मैं भी हिमाचल में ट्राई कर सकता हूँ, तो ऐसा बहुत मुश्किल है। जी हाँ, वहाँ का नागरिक होना, वहाँ की आपके पास डॉक्यूमेंट होना, वहाँ की स्टडी के डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स होना, ये सारे ज़रूरी होते हैं हिमाचल प्रदेश में ट्रायल देने के लिए। जी हाँ, तो मैं अब आपको बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड और आपका जन्म प्रमाण पत्र और जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ स्कूल की मार्कशीट वगैरह। जी हाँ, तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और इन डॉक्यूमेंट्स के बाद आप क्या करने वाले हैं, आपको सबसे पहला जो कदम है वो ये उठाना है, अपने डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में जाना है, वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना है ओपन ट्रायल के लिए। जी हाँ, ओपन ट्रायल्स होते हैं, मतलब हिमाचल प्रदेश में 12 ज़िले हैं। जी हाँ, पूरे राज्य में सिर्फ 12 ज़िले हैं और हर एक ज़िले में ओपन ट्रायल होता है। जी हाँ, मान लो आप मंडी ज़िले में रहते हैं, या मान लो आप कुल्लू में रहते हैं, या मान लो आप शिमला में रहते हैं, जिस ज़िले में भी आप रहते हैं वहाँ उस ज़िले में ट्रायल होते हैं। जी हाँ, हर ज़िले के अपने ट्रायल होते हैं और हर एज ग्रुप के ट्रायल होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीनियर्स के ट्रायल हो रहे हैं या अंडर 19 के ट्रायल हो रहे हैं, अंडर 16 के या 14 के, नहीं, सभी एज ग्रुप्स के ट्रायल होते हैं, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 और सीनियर मेंस। जी हाँ, जिसमें रणजी ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे, ये सब होते हैं। तो ट्रायल सभी के लिए है, ओपन ट्रायल का मतलब है सभी के लिए, कोई भी आए। वहाँ पर जो एक छोटी सी फीस होती है, कभी कभी ये फ्री भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के ऊपर कि बच्चों से ट्रायल फीस लेनी है नहीं लेनी है, ये कोई बड़ा मैटर नहीं है। मैटर ये है कि डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल होने चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर बिल्कुल ट्रायल होते हैं, हर ज़िले में ट्रायल होते हैं, आप ट्रायल देने के लिए जाइए, फॉर्म भरिए, अपने डॉक्यूमेंट लगाइए, अपने फ़ोटोज़ लगाइए और फिर जब वो आपको कॉल करते हैं, जब वो आपको बुलाते हैं पर्टिकुलर प्लेस पे, एक स्थान पे, कि आपका ट्रायल इस दिन और इस टाइम इस जगह पर होगा, तो आपको वहाँ पहुँचना होता है। जी हाँ, आप अपनी तैयारी करिए, अपना सामान, अपनी क्रिकेट बैटिंग, अगर आप बैट्समैन है बैटिंग का सामान, अगर आप बॉलर है बॉलर की किट्स, जो भी आप है विकेट कीपर की किट्स, ये सारा सामान तैयार करिए, अपनी फिटनेस बनाइए और फॉर्म भरिए और जिला क्रिकेट एसोसिएशन ट्रायल देने के लिए एकदम से आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। जी हाँ, अब जब आपने जिला क्रिकेट एसोसिएशन में जा करके जिला स्तर पर क्रिकेट ट्रायल अपना दे दिया, फिर क्या होगा? जी हाँ, उसके बाद होता है इंटर डिस्ट्रिक्ट लीग स्टार्ट, यानी कि आप किसी भी ज़िले में आपने ट्रायल दिया है तो ऐसे ही हर एक ज़िले में ट्रायल हो रहे हैं, फिर ट्रायल देने के बाद में हर ज़िले की टीम बनती है। जी हाँ, जैसे 12 ज़िले हैं तो 12 ज़िले की सबकी अपनी अपनी टीम बन जाती है, ठीक है, तो वो आपस में फिर क्या करते हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट मैच खेलते हैं। जी हाँ, 12 ज़िले आपस में मैच खेलते हैं, यानी कि जैसे कुल्लू ज़िले का मंडी से मैच होता है, शिमला का सिरमौर से होता है, किन्नौर का लाहौल से होता है, तो इस तरीके से इंटर डिस्ट्रिक्ट मैच होते हैं, इसको इंटर डिस्ट्रिक्ट लीग भी बोलते हैं। जी हाँ, तो इस लीग में 12 टीमें होती हैं, तो 12 टीमों के कभी कभी एसोसिएशन दो पूल बना देती हैं, दो ग्रुप बना देती है, कभी कभी चार बना देती है, ये डिपेंड करता है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, किस तरीके से इंटर लीग, इंटर डिस्ट्रिक्ट लीग मैचेस कराने होते हैं। जी हाँ, तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि ग्रुप कितने हैं और क्या फॉर्मेट है, इम्पोर्टेंट ये है जब आप अपने जिला जो आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी टीम में आप सिलेक्ट हो जाते हो, फिर आपको इंटर डिस्ट्रिक्ट लीग मैच खेलने के लिए मिलते हैं, वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस क्या रहती है। जी हाँ, कई बार आपको 3 लीग मैच मिल जाते हैं, कई बार आपको 5 लीग मैच मिल जाते हैं, कई बार आपको
फाइनल तक पहुँचते पहुँचते 5 से 6 6 से 7 मैच मिल जाते हैं, वहाँ आपको परफॉर्मेंस दिखानी होती है। जी हाँ, कैंप में आने के लिए जब पहले आपको बताया मैंने ओपन डिस्ट्रिक्ट ट्रायल, फिर उसके बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट मैच, फिर लगता है सभी ज़िले में से जितने भी अच्छे प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस करी है उन सबका लगता है फिर कैंप। जी हाँ, जो कि आप जानते ही हैं हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत ग्राउंड है। जी हाँ, उसमें इंटरनेशनल मैचेस भी होते हैं। जी हाँ, धर्मशाला, वहाँ पर कई बार क्या होता है मंडी या किसी अदर ज़िले में भी जूनियर लेवल के जैसे कि अंडर 14 अंडर 16 इनके ट्रायल्स या कैंप वहाँ पर आयोजित हो जाते हैं, लेकिन जो सीनियर्स मैच होती है वो होता है धर्मशाला में, जहाँ पर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश का ऑफिस भी है और वो ग्राउंड भी है, इंटरनेशनल ग्राउंड, आप सभी जानते हैं खूबसूरत ग्राउंड है। तो मकसद ये नहीं है कि हमको कहाँ ट्रायल देना है, मकसद ये है कि ट्रायल कब देना है, किस लेवल का ट्रायल देना है। जी हाँ, तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, अब आप कैंप में आ गए, इंटर डिस्ट्रिक्ट के बाद आप कैंप में आ गए, आप कैंप कर रहे हैं सभी जिलों के जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, वो सब वो इस कैंप में सिलेक्टेड किए जाते हैं। हर एज ग्रुप में सभी के अलग अलग ग्राउंड्स पर कैंप लगते हैं, कैंप में 50-60 बच्चे भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कितने बच्चे, कितना ज़्यादा कंपटीशन वहाँ पर है। देखो बहुत ज़्यादा प्रतिभा आ रखी है, एक से बढ़ के खिलाड़ी आ रहे हैं तो ज़्यादा कैंप में बच्चे शामिल होंगे, थोड़ा सा प्रतिभा कम है तो कम बच्चे शामिल होंगे, उनको क्या होता है, उनको तो बेस्ट एक टीम बनानी होती है 15 प्लेयर की, ज़्यादा से ज़्यादा वो तीन खिलाड़ी और स्टैंड बाय में रख लेते हैं, मान लीजिए 5 रख लिए तो 20 खेलेंगे, फिर भी 15 ही खिलाड़ी टीम जो ट्रैवल करेगी 15 के साथ ट्रैवल करेगी। तो कैंप डिपेंड करता है कि प्रतिभा कितनी आ रही है, ट्रायल देने के लिए कितने लोग आए थे वहाँ, फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट में कितने लोगों ने परफॉर्मेंस करी है, कितना ज़्यादा कंपटीशन है। जी हाँ, तो कैंप में उसी के हिसाब से बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है। फिर जब आपका कैंप लगता है, कैंप में आपका जो है फिटनेस लेवल, आपका मेन इवेंट यानी कि बॉलर है, बैट्समैन है, ऑलराउंडर, विकेट कीपर है, उसका प्रदर्शन आपको करना होता है। सिलेक्टर्स वहाँ पर 5 होते हैं, 3 सिलेक्टर अगर आपकी प्रतिभा से खुश हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर 3 में से 2 रह गए तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा। जी हाँ, 5 सिलेक्टर्स में से 3 को आपको इम्प्रेस करना होता है और उसके बाद आप टीम में आ सकते हैं। आपका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी स्किल जो भी आप मेन इवेंट मैंने आपको बताया बैटिंग बॉलिंग विकेट कीपिंग जो भी आप करते हैं या ऑलराउंडर है, वो सारा आपको प्रदर्शन वहाँ करना होता है। उस प्रदर्शन के आधार पर फिर आपके उस कैंप में से 3-4 टीमें बनती है ट्रायल मैचेस के लिए, कई बार 2 टीमें भी होती है, और कई बार ऐसा भी होता है मान लीजिए अंडर 23 की टीम बनाई जा रही है तो अंडर 23 की जब कैंप लगता है उस कैंप में से जो 15-16 खिलाड़ी या 30 खिलाड़ी होते हैं जो नॉमिनेट होते हैं लास्ट के लिए, उनका मैच रणजी ट्रॉफी से करवा देते हैं या अंडर 23 से करवा देते हैं, इस तरीके से भी ट्रायल मैचेस हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ करती क्या एसोसिएशन जो स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन वो करती क्या, उनको सिर्फ एक अच्छी टीम बनानी होती है, क्योंकि जब अच्छी स्टेट टीम की टीम बनेगी तो वो PCCI का टूर्नामेंट खेलने जाती है, वहाँ पर उनको खेलने का पैसा मिलता है, बहुत सामान मिलता है, आपको एक स्टार्ट मिल जाता है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है स्टेट लेवल की टीम में आने के लिए। तो जी हाँ, जानकारी मैंने जो आपको दी है आशा करता हूँ बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काम भी आएगी। जी हाँ, तो ऐसी ही बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए, क्रिकेट ट्रायल्स की जानकारी के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, और सभी बच्चों को मैं चाहता हूँ जो भी क्रिकेट लवर है, क्रिकेट में फ्यूचर बनाना चाहते हैं, क्रिकेट ट्रायल देना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अलग अलग ट्रायल्स जितने भी ट्रायल्स हैं जितने भी जहाँ पर भी ट्रायल्स होंगे मैं सब जानकारी आपको क्रिकेट ट्रायल्स की देता रहूँगा और आपके वो काम आती रहेगी। जी हाँ, बस करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बने रहना है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे कोई नई वीडियो आएगी वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। जी हाँ, और मैं सभी क्रिकेटर्स को जो अपने ट्रायल की तैयारी कर रहे हैं मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ, या कुछ ऐसे प्लेयर्स जिनको कोई अभी जानकारी पूरी नहीं मिल पाई है, कुछ उनके माइंड में क्वेश्चंस रह गए हैं, वो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मेरा ये क्वेश्चन है, मैं अगर आपका अच्छा क्वेश्चन लगेगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा। जी हाँ, तो वीडियो को यहाँ लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग क्रिकेट ट्रायल्स, एंड हिमाचल प्रदेश के सभी क्रिकेटर्स को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।